28/6/2019 को दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची के साथ सोमरतन आर्य ने दुर्व्यवहार किया और वो 18 दिन बाद लेट कराई थी। उस पर न्यायालय में 4 दिन से उनकी अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय ने दिनांक आज 10/7/2018-19 को जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 50-50 हज़ार की 2 जमानतें 1 लाख का जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश प्रदान किए गए हैं। न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी के समक्ष 2 फोटो चस्पा कर जमानत पेश करेगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, जब भी अनुसंधान अधिकारी आदेश देगा अनुसंधान में सहयोग देगा और उपस्थित रहेगा। ये आदेश प्रदान किए। हमने हमारी जो बिल एप्लीकेशन 438 CRPC अग्रिम जमानत का आवेदन हमारे इन तर्कों के साथ में हमने बहस करी थी कि एप्लीकेंट किसी प्रकार का दोषी नहीं है, निर्दोष है और जो तर्क हमने प्रस्तुत करे कि किसी व्यक्ति ने द्वेष भावना से परिवादी के माध्यम से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है और जितने भी कानूनी पहलू थे उन सबको मानते हुए, चूँकि एप्लीकेंट हमारा प्री कन्विक्टेड नहीं है, कोई क्रिमिनल केस इसके खिलाफ नहीं है, अजमेर का मोतबीर नामचीन व्यक्ति है, इसका और पॉलिटिकल और सोशल लाइफ बहुत अच्छी है इसकी, इस प्रकार से हमारे तर्कों से सहमत होते हुए हमारा बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ करी। टर्म्स कंडीशन ये है कि 1 लाख की जमानत, 1 लाख का मुचलका और 50-50 हज़ार रुपये की 2 जमानत कंसर्न पुलिस स्टेशन कृष्णगंज थाने में वहाँ पेश करें, 2 कलर फोटोग्राफ वहाँ पेश करें, गवाहान को टेम्पर विदा ना करें, बिना इजाजत भारत छोड़ के ना जाए और अनुसंधान में पूरा सहयोग करें। वो ऐसी कोई बात नहीं, पूरा सहयोग करें। हमारा जो क्लाइंट है एक सभ्रांत, शिक्षित और मोतबर व्यक्ति है।